दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा हमारे पड़ोसी फटीचर पाकिस्तान की। इसके ऊपर बाइसे फखर है। और सुन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो मैं क्या नाचू? इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान पहुंच गए। फिर क्या हुआ? ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किए जाने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, 3 दिन का दौरा है उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को उनके 3 दिन के दौरे के चलते पाकिस्तानियों को दौरे आ रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मौसलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई। ईरान ने ये अनाउंस किया है कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यकीनी तौर पे उम्मीद की जा सकती है, और यही उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा इंशाल्लाह। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ईरान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये ईरान को पापा पापा कह के ईरान के पीछे पड़े हुए। तो पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ, बेटा जिनको तुम पापा कहते हो ना, वो हमें पापा कहते हैं, तो हम हुए तुम्हारे बड़े पापा। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। कल अगर ईरान और इसराइल की लड़ाई बढ़ती है, फैलती है और डायरेक्टली वॉर हो जाता है दो कंट्रीज का, तो ईरान की पीठ पे खंजर जो उतरेगा वो खंजर होगा पाकिस्तान। बात तो सही है। अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। तुम्हारे बाप का कश्मीर है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खाने के बावजूद वो कश्मीर का मुद्दा उठा ही देता है। जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। सुनते जाइए। मैं आपका और ईरान के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनते जाइए। क्या आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई? सुनते जाइए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पाकिस्तानी को किसी भी कंट्री में अच्छी तरह से देखा ही नहीं जाता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुन के अच्छा लगा। तो आप सबको पता ही है पाकिस्तान के किस टाइप के मानसिकता है। क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या कर सकते? इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता। मतलब कुछ भी, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये आपकी ओपिनियन है। इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, देखा जाए तो हम आजाद नहीं है, आजाद वो है। अच्छा, फलस्तीन, सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं। अपने स्टांस पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई, अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है। हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका के साथ है, कि हम एटम पावर नहीं है। हां है, बिल्कुल है। फिर हर की चीज क्या, अल्लाह का नाम लें और करें। हां बिल्कुल सही बात है, अल्लाह का नाम लें और फटे। किसने रोका है तुमको मेरे भाई, किसने रोका है तुमको फिलिस्तीन जाने से? ये पाकिस्तानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी पाकिस्तानी 6 महीने से ज्यादा हो गए जंग होते हुए हमास की और इजराइल की, एक भी पाकिस्तानी वहां पहुंचा इजराइल से लड़ने के लिए, फटने के लिए, मरने के लिए, जिहाद करने के लिए, मुजाहिदीन बनने के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम चुम्मा के लिए? एक भी नहीं पहुंचा, ना कभी कोई पहुंचेगा। हाँ, लेकिन जुबान चलवा लो इनसे कैंची की तरह। वाह भाई वाह। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है, ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। जज्बा कहाँ से आया? भाई मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे भाई। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। अरे मेरे भाई रुक 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 रुक, मैं दिखाता हूँ तुमको तुम्हारा जज्बा। 65 में आपने बामुश्किल माजरत के साथ सबर करो अपनी जान बचाई। हाँ हाँ हाँ। कारगिल में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है, मैं नहीं कहना चाहता। जारूर जारूर। तो आप कौन सी जंग जीते हैं कश्मीर?
ये चीज उनमें नहीं है, जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? हरगिज नहीं, उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट अगर बंद कर दिया वो तो फिर बंद करने के बाद बावजूद, ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। अल्लाह तौबा, ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने के भाई। सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है, उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है, ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हल ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी चाहे तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सके। 1 वीक की रोटी का तो इंतजाम कर लो, आटा तुम्हारे मुल्क में है नहीं, पैसा है नहीं, पीएम तुम्हारा जहाँ भी जाता है कटोरा लेके भीख मांगता है, मैं आया हूँ तो मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। कुछ दे दो, $1 मिलियन दे दो, $2 मिलियन दे दो, भीख तुम मांगते हो। और एक हफ्ते में चाहे तो भाई तुम किसके दम पे इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? पाकिस्तान आर्मी जो कि है सरेंडर आर्मी, तुम्हारी आर्मी की पैंट उतारी थी, पैंट 93,000 आर्मी जवान्स की। कौन से होश हवास में रहते हो मेरे भाई तुम? कौन सा जज्बा है, कौन सी आसमानी ताकत है तुम्हारे अंदर ये जज्बा भरती है मेरे भाई? बताओ यार, हम इंडियंस बहुत जानना चाहते हैं भाई, बहुत जानना चाहते हैं, बताओ हमारे को। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं, इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता फौरन। इनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम, डेफिनेटली। और नहीं तो क्या, किसी का हुकूमत भी सही नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, किसी का भी हल। इसका हल हम लोग गरीब का ये हालात है, जो एक जगह में हम लोग कटा कर ले और सबको गोली चला ले, खत्म कर ले, सबको गोली चला के। अरे राम, अरे राम, अरे राम। इस जाहिल के जज्बे की धज्जिया इन्हीं की पाकिस्तान की खातून उड़ा रही है, तो मेरे प्यारे भाई देख जरूर लियो। हमारा ये मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लिफाफे लेकर खामोश हो जाता है, ये इनकी आवाज क्यों नहीं बने? क्या मांगते हैं वो? सिर्फ अपना हक। वो कहते हैं कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, जिनको उन्होंने बड़ी मुशक्कतों से पाला पोसा, जवान किया, उनको तालीम दिलाई, और अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप उनको जो है वो गायब कर देते, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको उनका हक देना चाहिए। और महारंग के लिए एक शेर है, ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। ये, मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया, यानी इधर आया था फलस्तीन पे जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मैं मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा इसको। हाय 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 हाय, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ी छीछड़ी नजर आते हैं, वो हाल इन पाकिस्तानियों का। कश्मीर को आजाद कराएंगे तो मेरे भाई कश्मीर आजाद होगा तो सिर्फ एक कश्मीर आजाद होगा जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। जिस तरीके से कश्मीर से 370-35 से हटाया और तुमने भारत का नाखून तक नहीं उखाड़ पाए, तो उसी तरीके से POK भी हिंदुस्तान में आ जाएगा, क्योंकि POK हिंदुस्तान का अटूट अंग है। तुम मुसल्लत हुए हो, तुमने कब्जा किया हुआ है, हमारे नेहरू जी की गलती थी जो यूनाइटेड नेशन में चले गए, नहीं तो वहीं ठोक ठुका के तुम्हारा फैसला कर देते ना उसी टाइम, तो आज ये नौबत आती नहीं। अब कांग्रेसियों गाली मत देके जाना मेरे को, सच्चे नहीं ये तो, ये इसमें तो मैंने कोई झूठ बोला ही नहीं है, सच सुनने की आदत बना के रखो। और हाँ, देश का भला चाहते हो तो मोदी जी को भी वोट करो, और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि वोटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, छुट्टी का दिन नहीं होता है, वोट करो भाई, वोट करो। देखो आपके भाई ने भी वोट किया है, पंजाब से आया था मैं वोट करने के लिए, सुबह निकला था 6 बजे और शाम को 4:30 बजे पहुंचा वहां पे, सिर्फ मेरा वोट मिस नहीं हो जाए। अपने एक एक वोट की कीमत को पहचानो, नहीं तो तुम्हारे नेता का फैसला ये लोग करेंगे। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप चाहे कांग्रेस को पहले चाहे पाकिस्तान को पहले, बात एक ही है, दोनों की भाषा एक जैसी है। क्यों नहीं भेजा? झूठ, मजहबी इस्तेसाल, इंतहा पसंदी समेत कोई भी मंजन नहीं बिखरा। फ्रॉडिये मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयान को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने देखा कड़ी तनकीद की है। राहुल गांधी ने
एक्स पर लिखा है कि पहले मरहले की रायदही में मायूसी हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का मयार इतना गिर गया कि घबरा कर वो अब आवाम को मसाइल से भटकाना चाहते हैं। देखा, कांग्रेसी भी ऐसे मोदी के बारे में बोलते हैं और पाकिस्तानी भी, तो पहलम पहल होती रहनी चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।